वो देख, ये जो टॉम क्रूज है बहुत छाड़ा है, उसने पहले देख लिया था कि इधर बाहर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए जानबूझकर ऐसे ही एंगल में खड़ा हुआ कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे। लेकिन बच के कहाँ जाएगा? स्केच आ गया, चीते ने भेज दिया है, हमारे हाथ से तो ये नहीं निकल सकता। मोटा मोटा आइडिया हो गया है ना, बस इतना काफी है। अगर इसी तरह करिश्मा सिंह के साथ फंसे रहे तो उस गद्दार को कैसे ढूंढेंगे जो डिस्क के पीछे पड़ा है? कुछ करना होगा, निकलना होगा यहाँ से। क्या लगता है तेरे को, वो आएगा आज? काहे नहीं आएगा, वो जरूर आएगा। मालिक ने क्या बोला था, वो अक्सर यहाँ चक्कर काटता रहता है। और ये ज्वेलरी शॉप यहाँ की सबसे बड़ी शॉप है, तब यहाँ पे जो भी आती होंगी वो कोई छोटी मोटी हैसियत की तो नहीं होंगी। हाँ। ये बात वो जानता है, समझ रहे हो? मतलब माल लपेटने की तो गारंटी है। और मालिक ने ये भी बताया था कि वो 2-3 दिन से यहाँ पे आया नहीं है, इसका मतलब आज पूरा पूरा चांस है कि वो यहाँ पे चक्कर मारने आ सकता है। और ये चांस हम भी खोने देंगे। कभी कभी बिल्ली के भाग से जो है वो छीका फूट जाता है। बिल्ली बोले तो मैं और कौन? हाँ, तो उस 2000 का मलाई लपेट लपेट के खाती हो बिल्ली से कम होगा तो? कितना गंदा ताना देती रे वो मातारी और तेरा मरा झेलते कैसे तेरे को? और सुन, मैं कोई मुफ्त में बैठ के नहीं खाती है, बहुत काम करती है। ये तजुर्बा सीखा तुम्हारा, उर्दू सीखा, शेरो शायरी सीखा, दुनिया भर का जज्बात बिज्बात पता नहीं क्या क्या सीखा। तेरे को लोचा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने साजन को भी भगा दिया, इससे ज्यादा क्या करूँ रे? जान दे दूँ मैं अपने? अभी नहीं करने का मेरे को, जा तू खुद कर, मैं नहीं जा रही। कहाँ जा रही? तेरे को क्या करने का है? दिन का 2000 देते हो ना, ये रात हो गई, मैं जा रही। नहीं नहीं नहीं, क्या डील हुआ था हमारा? डील क्या हुआ था कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक हम नहीं कहेंगे? तो हम तुम्हें कह रहे हैं जब तक हम तुम्हें ऑर्डर ना दे तुम यहीं खड़ी रहोगी, समझी? देख चाचा संगनी, ये जो ऐसा तू मेरे से बात करती है ना, इसके बाद तो तू मेरा इधर क्या भोगते है क्या? मैं अपना शिकार ढूंढ रहा है वो। आइए। ओ तेरे, क्या बात है, ये किसका घर है साहब? फिलहाल तो अपना ही समझिए। हाँ, अब तक तो सिर्फ हम ही रहते थे यहाँ, पर अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक आपका इस शहर में रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं हो जाता और हमें अपने अतिथि सत्कार का सुअवसर दे सके। साहब, इसे घर पे बुला के कोई किसी को सुअर बोलते हैं क्या? ये तो अपन का इंसल्ट है साहब। सुअर नहीं प्रभु, सुअवसर। सुअवसर, सेवा करने का मौका। अच्छा ऐसा है? मतलब साहब, दुनिया में ना बहुत कम लोग रहते हैं जिनका कपड़ा और दिल मैच होता है, आप ऐसे हैं साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं साहब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे एक बात कहनी थी आपसे। इसमें से तोता उड़ गया है क्या? खाली मोमबत्ती रखिए। फिलहाल आपकी मैना की बात करते हैं। उर्मी को आपसे शादी करने के लिए मनाने में भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। साहब साहब, आप तो भगवान हो मेरे लिए, साहब आप तो भगवान हो। लेकिन साहब, यही तो एक बात है ना जो खुद रणवीर भी नहीं कर सकता है। रणवीर? वो एक्टर अपना गली बॉय वाला, अपनी उर्मी बहुत बड़ी फैन है उसकी, कुछ भी बोलेगा ना तो वो ना नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो भी बोलेगा कि साजन को अपना ले तो वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी साहब। साहब ना अपना ना अपना नसीब ही पांडु है साहब। अरे प्रभु, वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए, प्रेम के भाग्य में ही संघर्ष है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको आपके इस संघर्ष में भी आपका साथ देंगे और आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। उर्मी गर्मी इंपोर्टेंट पीते हो? पिला दीजिए। यही मौका है इससे उर्मिला के बारे में पूरी जानकारी निकलवाने का। ए, रुको! सुन 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 सुन
तू इसके पीछे भाग, मैं फास्ट भागती हूँ, मैं घूम के आगे से पकड़ लेगी। चाचा तब तब एक शायरी सूची बोलो इरशाद। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरी जान से खेला। गौर से सुनो, दिल से एक ही आवाज निकली है, जालिम वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड। वाह क्या बात है, क्या बात है, लीजिए ना। एक और इरशाद। नहीं नहीं और एक पेग। हाँ अवश्य अवश्य। इम्पोर्टेड। यस। और एक और एक। अरे इसे तो खत्म कीजिए। नहीं नहीं और एक शेर। अरे शेर वेर छोड़िए प्रभु, शेरनी के बारे में बात कीजिए। उर्मी। उर्मी के बारे में कुछ बताइए। सर जरा सोचिए, मतलब कद्दू और गुलाब जमीन पे ही उगते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे पे गुलाब ही देते, कद्दू नहीं देते। पर आप उर्मी के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरी उर्मी। हाँ तुम्हारी उर्मी ही हसीना है, पहले ही बोल देते है ना। उर्मी क्या? उर्मी 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 ही हसीना है ना। I love you. यस कैप्टन, हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। वो अनुभव, शायद हार्ड डिस्क उसके हाथ लग चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्द वो हसीना मलिक के साथ मिलकर हमारा ही सफाया करने के लिए हमारे सर पर आ बैठे। ऐसा नहीं होगा कैप्टन, उससे पहले हम अनुभव को ही खत्म कर देंगे। नहीं अनुभव नहीं, हसीना, हसीना को मरना होगा। हसीना ही नहीं रहेगी तो अनुभव की बात पर कौन यकीन करेगा। वैसे भी अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, हार्ड डिस्क तो अब अनुभव के पास है। हो सकता है उसे हमारे बारे में जानकारी भी हो। वही नहीं रहेगी तो उसकी जानकारी हमारा क्या बिगाड़ेगी। हसीना खत्म, सारी मुश्किलें खत्म। इससे पहले अनुभव हम तक पहुंचे, हसीना मलिक को खत्म कर दो। हो जाएगा कैप्टन, बस ये समझिए कि अब हसीना मलिक का खेल खत्म। शुरू से हमारे पीछे पड़े हैं और हमसे ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। अगर ये हाथ आ गए तो वो गद्दार भी हमारे हाथ आ जाएगा जिसकी हमें तलाश है। हसीना मलिक, आज तेरा खेल खत्म, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ थे आप दोनों? हाँ? चलो अच्छा हुआ आ गए। एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है मित्रों, आशा करते हैं कि आप दोनों के पास उसका समाधान अवश्य होगा। वो क्या है कि इनको मारने से पहले आप दोनों को हमें मारना होगा। हमें तो नहीं लगता कि आप जैसे सड़क छाप टटपूंजियों के हाथों हमारी मृत्यु लिखी है, इसलिए मजबूरन हमें ही आप दोनों को मारना पड़ेगा, क्योंकि हम हसीना मलिक को कुछ नहीं होने दे सकते। कितना गलत सोचा था हमने अनुभव के बारे में,
ये हमारी जान बचाने के लिए खुद मौत के सामने आकर खड़े हो गए हैं और हम इन्हीं पर शक कर रहे थे, इन्हें देशद्रोही गद्दार समझ रहे थे। बख्शी सर, आखिर आप गलत साबित हो ही गए। तो क्या सोचा है आप दोनों ने, गोली खाकर परलोक सुधारना चाहेंगे या जेल की रोटियां खाकर कुछ और दिन जीना चाहेंगे? अरे क्या बात है सफेद सफेद घोड़े, तू तो एकदम हीरो है रे। मतलब ऐसा तूने हीरो के जैसा ऐसा मस्त रामपाट एंट्री मारा और ऐसे हीरोइन को गुंडों से बचा बचा लिया और मार दिया। अच्छा गावत वड़ा पावत, आता काय करायचं? अभी क्या करने का? तो गए आप जाइए, थाने जाइए। ऐसे कैसे, अभी इतना बचाए लाए मेरे को तो घर तक छोड़ के भी आना फिर सेफली। एक मिनट। हाँ तड़क चंदी बोल। अरे कहाँ हो तुम? सुनो वो अमर जो है ना वो लाल गली की तरफ भागा है, तुमको वहीं आना है, ठीक है? अरे हाँ हाँ मैं आ रही है, बस मैं इधर ही किधर बीच में अटक गई थी, मैं बस पहुंच रही हूँ, तू पहुंच में आती है। हाँ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो अभी फिर मैं जाऊँ क्या? अब जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। जय हिंद। जय हिंद। मिला क्या? ये देख रही हो तुम? और ये इस घर के अंदर? चल चल चल। अरे ये ताला हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ चल चल ताला तोड़ते। अरे 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 आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं आप? आप कौन है और क्या नाम है आपका, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम अमृता है और ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? अरे हमें लगा कि एक मुजरिम है जो अभी अभी तुम्हारे घर के अंदर गए, इसलिए हम ताला तोड़ के देख रहे थे। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, देखिए वहाँ पे ताला लगा है और चाबी मेरे पास है। बहुत बढ़िया, तो फिर ताला खोलो ना, हमको अंदर जाके देखना है, पकड़ना है उसको। ठीक है। मैंने बोला था ना ताला लगा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो कोई इसकी अम्मा का खिड़की से भाग गया हो? अरे आप, हाँ आप, कोई मिला क्या? एक सेकंड, वो क्या है? मुश्किल में हूँ, मदद चाहिए अमर। तुम अमर को जानती हो क्या? जी हाँ। क्या लगता है तुम्हारा? मेरा भाई है, मुझसे एक साल छोटा है। तुम शांत हो जाओ, फिर बोलो। मैडम मेरा भाई अमर जया नाम की लड़की से प्यार करता था
और उससे शादी करना चाहता था, पर उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ये अमर की बहन कहाँ से आ गई? उसने तो कहा था कि वो अनाथ है। समझाया था तुम्हें हमने, लेकिन नहीं समझ में आया। मुझे तो पहले से डाउट था उस बंदे पर कि बंदा फ्रॉड है, इसलिए तो अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करवा रहा था उसके साथ। एक मिनट, मगर आप ही ने कहा ना कि आप इस रिश्ते के लिए मान गए थे। क्या करता मैडम जी, बेटी की जिद के आगे मजबूर पड़ गया, बाप हूँ आखिर, इसलिए शादी के लिए मैंने हाँ की। मैडम जी, इन बाप बेटी ने मिलकर ही मेरे भाई को गायब किया है। पूछिए आप इनसे, मेरे भाई को कहाँ छुपाया इन्होंने, पूछिए आप। ये क्या बकवास कर रही है मैडम, हम क्यों छुपाएंगे तुम्हारे भाई को? हम तो खुद ही उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं कब से। वो हमारे पैसे लेके भागा है, वो भी पूरे 5 लाख। यही झूठ बोल रही है अपने भाई को बचाने के लिए, पूछिए ना मैडम इससे। झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं। बस एक मिनट, तब से सुन रहे काए 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 लगा रखी है सबने। आपके भैया जो हैं, हाँ, 3 लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ठग रहे थे सबको। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे सब कुछ बताता, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता है। हाँ, उसने मुझे बताया था कि जया के बाप ने उसको धमकी दी थी कि उसने अगर जया का पीछा नहीं छोड़ा ये उसे कहीं गायब कर देंगे। पूछिए धमकी दी थी कि नहीं दी थी। मैंने कौन सी धमकी दी थी, मैंने तो बस गुस्से में उसको डांट दिया था, वो भी शुरू शुरू में। बाद में तो मैं आखिर मान ही गया था अपनी बेटी की शादी के लिए। देखिए क्या सच है क्या झूठ है, किसने किसको क्या कहानी दी, किसने क्या कहानी ली, ये एक ही इंसान हमको सच बता सकता है और वो है तुम्हारा भाई। समझ लो मेरी बात को, तुम बताओ कि तुम्हारा भाई किधर है। मैं सच में नहीं जानती मेरा भाई कहाँ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती, मेरे भाई को ढूंढिए, मेरे भाई को ढूंढिए। बाबा शांत हो जा, शांत हो जा, पानी पी लो। क्या हो गया था हमें? जिस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हम उसी पर शक कर रहे थे? जो अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करता है, वो किसी और को धोखा कैसे दे सकता है? नहीं, अनुभव गद्दार नहीं है, हमें अनुभव से माफी मांगनी चाहिए। माफी के साथ साथ हमें उन्हें सच्चाई भी बतानी चाहिए कि हम उर्मिला नहीं, हसीना है। उन्हें सच्चाई जानने का पूरा हक है, हम उन्हें अभी सब कुछ सच सच बता देंगे। हेलो, हाँ उर्मी बोलिए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, अरे बस क्या, मैं तो एक नंबर है। तूने तो बचाया ना हीरो के माफिक मुझे, तो मैं कैसे ठीक नहीं होगी? अब हीरो बनाए तू तो हीरोइन का तो इम्प्रेस होना बनता था, तो बस इम्प्रेस हो गई मैं। मैं क्या बोलती है, मेरे को पूरे नक्की यकीन हो गया है कि तू ही छ जिसको ऊपर वाले ने बनाया है मेरे लिए। शादी बनाएगा क्या मेरे से? सोचना कितने डेयरिंग और ब्यूटी का मस्त कॉम्बिनेशन होंगे अपने बच्चे। तू बस हाँ कर तो मैं पंडित ढूंढना शुरू करती है। देखिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह जीवन एक ही बार मिलता है, मृत्यु एक ही बार होती है, ठीक उसी तरह सच्चा प्रेम भी एक ही बार होता है। हम अपना सच्चा प्रेम कर चुके हैं हसीना मलिक से, वही है हमारा सच्चा प्रेम और जीवन वही रहेंगी। और रही आपकी जान बचाने की बात, हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तब भी हम वही करते। आप सही कह रहे हैं, इसलिए तो इतना चाहते हैं हम आपको, सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं और आपको एक सच बताना चाहते हैं। अनुभव, अनुभव हम उर्मिला नहीं। वो उर्मी नहीं रही, उर्मी बदल गई है तू। साजन, तू शहर क्या बदल लिया, तू पूरी की पूरी बदल गई। इस लंबू के लिए तू, इस पटले को धोखा दे रही है तू। तू अभी साजन की उर्मी नहीं रही है उर्मी। वो चिल्लाती थी, डांटती थी, गालियां भी देती थी, लेकिन उसमें तेरा प्यार दिखता था उर्मी। अब नहीं दिखते तेरा प्यार। आइडिया, और तुम साहब अच्छा बनाया मुझे। हाँ,
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार ने लूटी। अरे प्रभु हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुनते मुझे, नहीं सुनते। मुझे कहा था पूर्वी को बताने के लिए मेरी हेल्प करूंगा, खुद ही टाका भिड़ा लिया। देख लिया मैंने तुम्हारा असली रूप। अरे हमारी बात तो सुनिए, गलतफहमी हो रही है आपको। हमें आपकी उर्मी से कोई प्यार व्यार नहीं है। शांत हो जाइए और हमें सोचने दीजिए कि अब हमें आगे क्या करना है।